हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत, मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए। आज मैंने थोड़ा थोड़ा पिंक पिंक मेकअप किया है, पता नहीं क्यों दिल कर रहा था। और अभी जो है मैं बाहर का थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि रजनीश जी थोड़ी मेरी हेल्प कराने में लगे हुए थे। कोमल कॉलेज चली गई थी और नक्कू और रोहित घर पे है। तो जिन्होंने भी सबसे पहले तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करो। और साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दिया करो, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी कुछ चीज़ें दिखाते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं तो रेडी उडी हो गई हूँ, तो चार रीलें बना ली है नक्कू के साथ। और इधर हमारे बच्चों का चल रहा है खाना, एक का चल रहा, तूने नहीं डाला अभी, बस भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। और नक्कू खा रहा है राइस। गुड मॉर्निंग, किसी को विश भी कर लिया करो। गुड आफ्टरनून, अब आफ्टरनून होगी, देख लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नक्कू, तूने मेरे फोन की सेटिंग चेंज कर दी है, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। सच में हूँ के सच में हो गई है। तो हम जा रहे हैं, एक बार सलोन आएंगे थोड़ी देर में। और इधर ये केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई चल रही थी, वो देख रहे हैं, इनका बस यही काम है। बाय शेफ। तो गाइस, आज है थर्सडे और मेरा था फास्ट, और मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। इसको पकड़ना, मैं केला छील के खा लूँ, ऐसी भूख लगी थी मेरे को। कच्चा कच्चा केले मंगवाए हैं आपने? ये छिलका कच्चा, अंदर से पक्का केला, मीठा ऊपर से कच्चा, ऊपर से पक्का, छिलका कच्चा है ऊपर से पक्का नीचे कच्चा। सो गाइस, सैलून से आ गए थे, आके ज्योत बत्ती कर दी है। और इधर हम लोग अभी चाय पानी और साथ में मैच को एंजॉय करते हुए। जनाब जी, यस, क्या? यस, हू आर यू? तुमने रोटी नहीं खानी मेरे को लगता है, आज मैं सच बता रही हूँ। हाँ, और रोटी नहीं खानी रात को? क्या या रोटी खानी है ना, तो फिर मत बोलो कि हू आर यू। क्या सब्जी है ही नहीं, कोई भी लाने वाली है सारी सब्जियां। कमल देख ले तू, रात पता कितनी लड़ाई की इन्होंने मेरे साथ, बोलते तू बेइज्जती करती है मेरी बच्चों के सामने। अच्छा, बच्चे मेरी बच्चों के सामने बेइज्जती होती है मेरी? देख ले, कोमल को पता है कि मैं फील नहीं करती, मेरी जितनी बेइज्जती होती है उतनी कोई करता ही नहीं होगा किसी की, देख ले। और फिर भी ये बोलते हैं इनकी बेइज्जती होती है, मेरी नहीं होती। वाह क्या बात है, जितनी मेरी होती इतनी तो फील ही नहीं करती हूँ मैं अदरवाइज तो। जितनी ना मेरी होती है, मैं फील करने वाली हूँ ना, तेरी बेइज्जती कौन करता है? मैं रोज क्लेश करूँ तुम्हारे साथ है। क्या ये देखे ये अभी गाइस, मैंने अभी ना एक बात बताती हूँ, मैंने अभी बोला कि मैं इस टाइम चाय के साथ पराठी खा रही हूँ तो डबल होके निकलेगी। तो कोमल आके से बोलती कि कल पैसे खवाएंगे आपको, डबल होके निकलते हैं। हाँ, कल को पैसे खिला देना फिर मेरे को, डबल। देखो मेरे रोटी तो डबल होके, सिक्के नहीं खाती, कागज वाले खाऊंगी, तभी तो डबल होके मुंह के जरिए बाहर आते हैं। देख लो, तो गाइस कल मैं रुपए खाऊंगी चाय के साथ शाम को, मतलब उल्टे टाइम पे कुछ खाऊंगी, फिर वो मेरी डबल होके निकलती है, क्योंकि मेरी रोटी तो ऐसे ही होता है, एक खाती हूँ ना तो बाद में पता नहीं कितनी एक, समझ गए ना, कल रुपए खिला लिया इन्होंने मेरे को। सुन, ये 20 रुपए ले जा, लस्सी लेके आनी है और क्या लेके आना है, प्याज होते हैं ना गूंदली वाले प्याज, वो और सारी चीजें कड़ी बनानी है। बच्चा वीडियो भी नहीं। अरे प्याज जो बचेंगे वो चीज चूज खा लिए ना, गाड़ी होगा और राशन पानी ना, गाड़ी ना ले बेटा इतनी महंगी, राशन पानी बोल रहा और कुछ, आटा उटा भी 10 किलो 10 किलो आटा ले आई और कोई और ले आई चीज है। बच्चा बेपुट्टा ले, इतनी मम्मी खाओगी तड़का डबल काटेगी। ये मैं डबल नहीं खा लूंगी सुबह खा के, और फिर मेरे डबल नहीं करता ना जो मैं खाती हूँ वापिस, 20 से 40 रुपये ही होंगे ये तो।
अरे जा ले कंजरा 20 रुपए का कहलाऊंगा 5 और ले जा 25 की लस्सी होनी 5 और ले जा इसमें 3 रुपए खुले दे दे बेटा तो 5 रुपए खुले दे 25 रुपए की आएगी लस्सी दही दे दूंगा ना दही भी कौन पड़े होंगे 3 पड़े और लस्सी 30 की होगी ये पता नहीं कड़ी बनानी है अभी चाहिए लस्सी गोंदड़े ले जा पट्टियां दे और इस पर ना की करना मैं कह रहा तेनू हुंदा नहीं पया दादू की दुकान है फिर क्या ले 25 रुपए ले जा 200 है ये तो इसमें तो बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें से क्या लिखेगा एक तो लस्सी गोंदली गोंदली की समझ आती है तेरे को अरे प्याज इसको ले जाइए इसको पता है इसको पता है रोहित को ले जा साथ में सलगम नहीं लानी सलगम नहीं ले गोंदली और सलगम में फर्क नहीं पता इनको बाल चावल में हां हां भाई बाल बाल सा होता है देख लो गाइस ये लोगों देश का भविष्य है खतरे में है कच्चे प्याज लगते हैं जिनके बाल होते हैं पीछे तुम्हारा सलोन है तो हर चीज बालों में नहीं आके टिकती रोहित को ले जा ये बता देगा प्याज ले लियो प्याज ले लियो प्याज तो नहीं चाहिए दूसरे वाले टमाटर टमाटर करी चपाड़े हैं ले आएगा लाइन टमाटर भी आई सवेरे भी चाहिए तुमने जा अच्छी प्याज के पीछे एक्सटेंशन क्या है चिल्ला क्यों रहे हो काम करता करता बंदा चिल्ला सकता है ये कोमल एक्चुअल में जो पीछे से तुम्हारे वो मिलता है ना स्पोर्ट वो कोमल का मिलता है तो गाइस यहाँ पे रजनीश जी हेल्प कर रहे हैं कटवाने में तड़का मैं बनाऊंगी कड़ी इतने प्याज इतने तो ऑलरेडी काट दिया आपने गूंदली ये तड़के वाले प्याज है वो नॉर्मल बीज में डलेंगे कौन से नॉर्मल बीज में डलेंगे बीच में कोई प्याज नहीं डलता तड़के में ही डालूंगी सारा कुछ कच्चे प्याज कौन खाता होता है कभी देखे कड़ी में कच्चे प्याज एक घंटा कड़ी उबलेगी कच्चे रह जाएंगे बनानी नहीं आती तो सीधे ही कह दो एक बात बताऊं ये प्याज के साथ साथ ना इधर तड़का भी लगा सकते हो इस पे आप मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा बनाई दूंगा सुबह चावल बना के दिए देना हां वैसे ही जैसे सुबह चावल बनाए वैसे ही बना देना अभी ठीक है आता है मेरे को बताओ अब बताओ क्या बोल रहे थे आलू काट दे सीधा कढ़ाई में काट दो गाइस लड़ाई और ये इस चीज को लेके कि मैं घी कम डालती हूँ सब्जी में तो कम डालती हूँ ये पूरे का पूरा ये देसी घी का डिब्बा ना पलटा दूं उसमें इतना तो डाल रखा है बात ये नहीं है घी ज्यादा हो ना देसी स्वाद अलग बनता है सब्जी का ये तो पता नहीं तुम्हें मुझे तो कुछ ही नहीं पता सारी चीजें तुम्हें पता है बनाई उंगलो मैं तो कह रही हूँ तड़का लगा ही दो आहो सारे के साथ डिब्बा नहीं पलटाना उसमें कड़ी लासी राड़ ये तीन चीजें सी है राड़ क्या होती है झगड़ा राड़ से वाड़ अच्छी वो अलग चीज होती है पर अच्छी नहीं अलग नहीं होती इसी को बोलते हैं विराड़ लड़ाई से अच्छा है दीवार कर वो अलग चीज है पर बढ़ाने की बात है तो अभी के तुम कह रहे हो क्या बढ़ा लूं लस्सी बढ़ा लूं कढ़ी बढ़ा लूं राड़ बना लूं वाड़ बना लूं कढ़ी बना ले तुम खड़े खड़े मेरे सिर पे क्या दो मिनट रुक जाओ आ दूंगा फिर जाके गाइस यहां मैंने कढ़ी को तड़का लगा दिया इधर दिखा लगा नहीं दिया मतलब लगाऊंगी इतना कुछ काट के दे गया ये बंदा पता नहीं कढ़ी में क्या डलवाएगा और मेरा कॉमन वो रीसी भूखे सी उसकी रख रही है बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन ही छोड़ दे ये प्याजों के एक्सटेंशन है गाइस तू बेइज्जती करती है बच्चों के सामने मेरी इसको बेइज्जती बोलते हैं इसको इसको मतलब मैं तो वो कर लूं क्या बोलते हैं उसको फोन वर्थ हां सही बोला तुमने रात मैंने एग्जैक्टली यही चीज बोली थी कि मैं मौन व्रत कर लूंगी फिर मैंने बोला मौन व्रत में मेरा काम कैसे चलेगा मैं तो सारा दिन कचर बचर कचर बचर फिर मैंने दिमाग में रात में बहुत सोचती रही मैंने सोचा मैं इशारों में बोलूंगी ऐसे ऐसे काम करवाना है रोड में सीरियसली कोमल गाइस मजाक को नहीं करूँ सीरियसली फिर कल समझ जाना व्लॉग आएगा तो मैंने बोला मेरे भी मजाक बनावा ये बंदा क्या तू बेइज्जती करती है ऐसे मैंने बोला ये भगवान मैंने तो सिर्फ बच्चों के सामने इतना ही बोला होगा अभी ऐसे कर लो वैसे कर लो और मैंने क्या बोल दिया नहीं बहुत लड़ते है मेरे साथ ये बंदा ये बंदा क्या कह रही हो दीदी ना कुछ तो कह रही हो मैं आपको काम करना मेरे मामा ने सिखाया है ये कह रही है ये देख ले मामा मैं वो मेरे के वो भी बन पे ना मैं कटी पे नहीं है कौन बनाती मम्मी ने सिखा दी है मामा ने सिखा दी ये ऐसे बनेगी नहीं मैं बनाती थी पहले
लस्सी को इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के उबाल के तड़का अलग से बनाते हैं। खरिया पर स्वाद है नहीं। हाँ। वो तेरे मामा ने सिखाई थी जैसे स्वाद है। मामा की चमची। जैसे धोती वाले नहीं धोते ऐसे करके फिर ऐसे पटक पटक के धाक धाक करके मारते हैं फिर कपड़े को उठा के छक 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 मेरे उस पे एक दिन जो अपनी होली वाली वीडियो से उस पे कमेंट रीड की है तुमने कौन सा कई बोल रहे हैं बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि आपकी फ्रेंड जो है ना वो बहुत क्यूट है वो बहुत सुंदर लग रही है हाय हाय अब देखो शर्मा गई इसका अब देखना टाइम मजाक कर रही है शर्मा ना मैं नहीं शर्मा तो तू गई ब्लश ब्लश कर रही है मैंने ब्लश लगाया है कर नहीं रही मेकअप का कमाल डॉक्टरी वाला जो वो है डिग्री है वो कम्प्लीट होने वाला है बाद ये एस्थेटिक्स का सैलून में ही हमारे साथ ही क्लिनिक ओपन कर रही है बहुत जल्दी तो जिसने स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेरे से पूछते हैं ना वो ये बताया करें कि प्रॉपर डॉक्टर है मैं थक थक के जाती हूँ हर दिन रो रो के ताकि आप लोगों की शक्ल सॉरी आप लोग सुंदर हो जाए डॉक्टर था डॉक्टर था जो है ना ये इसको बंद कर लू ज्यादा कचर कचर हो रही है ये आपका फुल ट्रीटमेंट करेगी कोई फेक कोई कोरियन फेक कोरियन करते है ना लोग वो नहीं जेन्युइन ट्रीटमेंट करेगी मेडिकली ट्रीटमेंट मेडिकली ट्रीटमेंट स्किन प्रॉपर डायग्नोज होगी कब ओपन करोगे डॉक्टर कब ओपन करोगे हम नेक्स्ट मंथ के एंड तक कर लेंगे नेक्स्ट मंथ क्यों 15 एक दिन में कर लेंगे तेरा बस उधर से खत्म हो जाए बस फिर 15 दिन में ओपन करके फिर क्योंकि पता है क्या होता है कुछ लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं पर मेरा लाइक यू नो वो होता है सबका मोटिव होता है पैसे कमाने का पर अगर मैं सच बोलूँ ना मैं मुझे अच्छा लगता है अंदर से जब कोई सुंदर हो जाता है यू नो इसको सुंदर दिखना और दिखाना उन चीजों से है हाँ अच्छा और मुझे सच में जेन्युइनली मैं जब सीखने जाती हूँ ना मैं जब करने जाती हूँ मुझे सच में लगता है कि लोग सुंदर हो जाए तो ये है मेरा इंटेंशन मोटिव टू गिव ब्यूटीफुल स्किन यस सबसे ग्लोई शाइन स्किन हाय ना तू बच्चा चलो कहाँ जा रहे हो दोनों मौसी के साथ जा रहे हो मौसी के साथ जा रहे हो डोलू मासी के साथ जा रहा है नाइट स्टे है इसका मौसी के साथ सुबह इसने 5 बजे उठ के और सुसु के लिए तेरे को ऐसे ऐसे करके उठाया ना तू बोले कि चल खुद ही चले जाओ दरवाजा खोल के यहाँ कड़ी बन चुकी है टेस्टी दिख रही है आज आज टेस्टी दिख रही है खा के देखो फिर कैसी दिख रही है वहाँ चाचू खाने भी लग गए यहाँ बैठा है नकुल और वहाँ दीदी नहीं मैंने यहाँ कोमल दीदी सर्व कर रहे हैं खाना यहाँ चाची बना रहे हैं रोटी खा ले बेटा तू भी खा ले बाद में खा रहा हूँ मैं सबसे लास्ट में खाऊंगी तुम्हारे बर्तन बुर्तन साफ करके ओके तो भाई सारा काम कर दिया है किचन विचन सारी साफ कर दी बर्तन वर्तन करके रख दिए हैं सारे सबको खाना खिला दिया और वो देखो मेरी और देख रहे हैं और इधर ये मैंने अपनी रोटी सब्जी डाल ली है थाली तैयार कर ली है अब मैं खाना खा लेती हूँ बाकी सबको खिला के पेट पूजा कर ली है इन्होंने झांक रहे हैं उसकी तरह क्या बोलते हैं बटेरों की तरह गाइस ये इतनी जोर से मारता है ना ऐसे करके ऐसे और फिर बोलते हैं ऐसे ला दिखाऊं ऐसे मारता है फिर बोलता है मैंने तो ऐसे करके ऐसे किया था नहीं नक्कू पता है क्या बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि मिनिएचर गाय लेके आनी जैसे कोमल बोल रही है घर पे एक डंगर होता है ना मिनिएचर सागर थोड़ी कंपनी मिल जाए कंपनी दो डंगर होना जरूरी है डोलू से खुद हो रहा था एक को टाइम को निकला हां मैं देर से दीदी फिर जे तू एक गाय है ना भाई मेरा वो निकला इधर वो तो सीधी गाय नहीं होती है जो वो है बिगा जैसी पूरी सीधी है वो एक बकरवा ये बकरा है ये बकरा थोड़ी है तो अपने हाँ ये ऐसी करता है तब करके तेरे पापा बोल रहे हैं कि मिनी एचर गाय ला के देनी है तेरे को ठीक है कंपनी के लिए दो डंगर गाय चराने के लिए नहीं इतनी
नहीं शाफू से तो बड़ी है, डोलू से थोड़ी ना उतनी रहती है, वो लेके आएंगे अब। दूध देती है? हाँ किसी का? 2 किलो दूध देती है वो। गाय किस चीज का दूध देती है? तभी बोलते डंगर को कंपनी चाहिए डंगर की, बोल रहा है दूध देती है, गाय का देती है क्या? एक बार में 2.5 किलो देती है, दो बार में 4। नहीं 3.5 निकालना पड़ा है, फिर टोटल के 2.5 किलो दूध कौन निकालेगा? रखोगा? मैं निकालूंगी दूध, घर पे रखी जाती है। हाँ, वो मम्मी पर मशीन ले आवा दूध निकालने। 2.5 किलो दूध निकालने के लिए मशीन लेके आएंगे। फोर्स करेगी वो, उसके उपले बना लिया करेंगे वो ही अपने, अमेज़न पे नहीं नन्ना, वो इसके अपने धूपिया करने के काम आ जाएंगे। धूपिया करने ज्यादा होता है, अमेज़न पे बेच दे 100 रुपये वो, और उससे ज्यादा होती कोमल खा लेगी। देख ले देख ले, इसीलिए बोलते हैं ये बहुत काम करेगी। तू खाता है? कोमल तो खाती नहीं, कोमल तो रोटी खाती, तू खाता है ये ब्रेड और रोल सूप को? देखता था रात को गारी जी, कौन की बतड़ी है, कौन खा रही थी? ये कोमल फिटा मुँह तेरा। ये देख ले रोहित, बेशर्म लड़का, कैसी बातें करता है पागल। धूपिया करते आप मंदिर में, अपने को चाहिए होता है गोबर तो आप उसके उपले बना लिया करेंगे पथिया, और गाय का दूध जो है वो घर पे यूज हो जाएगा, खाने पीने के काम आ जाएगा। बड़ी नहीं होएगी वो, उतनी रहती है मिनिएचर। एक गाय के कितने फायदे हैं ना, और गाय देखो गाय दूध देगी। हाँ मान लो वो 5 किलो दूध देगी। हाँ 2.5 किलो अपन ने ले लिया। हाँ चाहे तो बेच दो। हाँ चाहे दही बना लो। हाँ दही बना लो, पनीर बना लो, लस्सी बना लो। हाँ। है फिर उसके जो मतलब गोबर निकालेगी उसके उपले बना दो, उसको मंदिर में यूज करो, बेचो और उसका कुछ भी कर लो। हाँ। आग जलाने के काम देते। हाँ। बड़े लेवल पे काम बड़े लेवल का। एक मिनिएचर गाय है गाइस, उस मिनिएचर गाय के ऊपर इन्होंने इतना लंबा चौड़ा बिजनेस सोच लिया है ना कि ये कर लेंगे। एक मिनिएचर गाय लेके आनी है हमने, छोटी सी गाय होती है। नहीं वो 2.5 किलो देती है, 2.5 किलो देती है बस इतने। मेरे घर में एक मोटी है नकु, इसको कंपनी चाहिए। नकु पेपर हो गए 1 किलो बिचार ग्रेड पशु ग्रेड 1 किलो से काम नहीं है। मिलती का है वो, मिलती का है रोनी भैया आ रहे हैं बस। बात करी ना, बात करी। सो गाइस इधर देख लो मैच चल रहा है, रात के बज रहे हैं 11। मम्मा की है चलो मम्मा क्या चलूं? मेरी कौन सी गिटी थी है? ब्लू वाली? मेरा ब्लू है फेवरेट। अरे मेरा येलो है ना। तुम रुको तो सही, मेरी क्यों चलाई? मैं नहीं, मैं मानूंगी नहीं। चाची आपकी येलो है तो फिर उसने चलाने नहीं दी मेरे को, अब मेरे को चलाने दो। एक मिनट भाई, अब आपकी है, अब मेरी है। किसको? एक आया चलो चाचू। नहीं आपकी है। अब मम्मा आपकी है। फिर मम्मा सोते मेरी जो बाहर ही आ गयो मेरी है। आप पीछे अंदर जा क्यों?